नमस्ते बच्चों, नाइन्थ क्लास वाले सब स्टूडेंट को मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय से और अभिभावकों को स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज लेसन नंबर 4 का स्वाध्याय 4.3 का एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल, इसमें लिखा है जो आलेख दिया हुआ है, ये आलेख जितने भी विकल्प दिए हुए हैं, ये कौन सा विकल्प समीकरण के बराबर होता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब है जो आपका वाई बराबर एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, वाई बराबर टू एक्स और टू प्लस थ्री वाई बराबर सेवन एक्स, ये पांच जो विकल्प दिया हुआ है, चार, ये कौन सा विकल्प बराबर आएगा, तो उसमें आपको कोई किसी भी टाइप की कीमत लिखना होगा। ये कीमत लिखने से, मूल्य लिखने से एक्स और वाई का बराबर आ जाए तो वो संतुष्ट करता है, बराबर नहीं हो तो संतुष्ट नहीं करता। इधर आलेख में दिया हुआ है आपके आकृति में -1 और 1, -1 एक्स का मान है, 1 वाई का मान है, तो सब में लिखो -1, 1, तो वाई बराबर एक्स, तो 1 बराबर -1 संतुष्ट नहीं करता है। दूसरा है एक्स प्लस वाई, -1 प्लस y = 0 = 0, दूसरी जो आकृति है आपकी ये संतुष्ट करता है। एक्स में मान लिखो -1 और वाई का मान लिखो 1, तो दोनों का 0 हो जाएगा ना, इसलिए -1 और 1 ये एक्स प्लस वाई का संतुष्ट करता है। दूसरा, तीसरा है y = 2x, y = 2x में क्या होता है, y का मान है 1 और 2 × -1 इसलिए 1 = -2, ये संतुष्ट करता नहीं है क्योंकि मूल्य बराबर नहीं है। 2 प्लस, ये इधर संतुष्ट करता नहीं है, 2 प्लस कितना है, 3y = 7x, 2 + 3y = 7x, तो आप देखो क्या 2 + 3y का मान है 1, 3 × 1 इसलिए 2 + 1 = 5 खेला गया, और 7x = 7 × 1 = 7, 5 = 7 नहीं होता है, संतुष्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा जो समीकरण x + y = 0 है यही संतुष्ट करता है। तो समझ में आ गए, दूसरी आकृति में आपका y = x + 2, और दूसरा भी ले सकते हैं कि 1 - 1, 1 लिया तो 1 - 1 भी ले सकते हैं, तो अभी वो संतुष्ट कर सकता है। दूसरी आकृति में y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2 और x + 2y = 6, ऐसे इसमें भी 4 समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण में आलेख में दिया हुआ है -1, 3, 0, 2 और 2, 0, अगर ये तीनों वैल्यू इसमें लिखेंगे तो समीकरण में बराबर का वैल्यू मूल्य आ जाए LHS और RHS, तो आप बोल सकते हैं कि ये संतुष्ट करता है। तो पहले -1, 3 लेते हैं, तो पहला समीकरण है आपका y = x + 2, एक्स का मान लिखो -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा और 3 का मान ले संतुष्ट नहीं करता है। दूसरा समीकरण है x - 2, y = 3, x = -1, -3, 3 = -3, ये भी संतुष्ट नहीं करता है। तीसरा समीकरण मैंने इधर लिखा हुआ, देखो सब समझाया हुआ है, किताब में नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है कि y = -x ब्लैक अक्षर से लिखा हुआ है पहली लाइन में, कि y = -x, ये समीकरण देखो y = -x + 2, तो y = 3, -1 = -1, -1 = +1,
वन प्लस टू या थ्री, थ्री बराबर थ्री, तो आपका ये समीकरण संतुष्ट करता है, थ्री बराबर थ्री। दूसरा यही समीकरण टू जीरो और टू, जो ग्राफ में दिया है जीरो और टू, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर टू, तो टू बराबर जीरो प्लस टू, तो टू बराबर टू यानी संतुष्ट करता है। ये ब्लैक अक्षर से लिखा हुआ है आर्कुल के नीचे, तो दो ही वैल्यू और टू जीरो, तो एक्स बराबर टू यानी वाई बराबर जीरो, ये भी आप देखो एक्स बराबर टू वाई बराबर जीरो, ये कौन से समीकरण को संतुष्ट करता है ये देखिए, जांच करके देख सकते हैं। तो ये जो जीरो और टू और माइनस वन थ्री, ये दो समीकरण को संतुष्ट कर, इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल गाना जाता है। थैंक यू।